हिल गया। कम वक्त को सुबह से तलाश कर रहा था। तुम कौन हो जी? मैं खादिम हूँ खान बहादुर साहब। खादिम? कौन सा खादिम? कौम का खादिम? जी नहीं, मैं इतना बड़ा खादिम नहीं हूँ। आपसे वोट लेने नहीं आया, छोटा सा खादिम हूँ, इस घर का मुलाजिम, आपका खादिम जहांगीर। अच्छा अच्छा, तो तुम हमारे खादिम हो। खादिम, तुम्हें हमारा ये इनकम टैक्स का गोशवारा कहाँ से मिला? ये इनकम टैक्स का गोशवारा नहीं है, मेरा इस्तीफा है। इस्तीफा? नहीं नहीं, अरे हमारे प्यारे खादिम, हमारे अपने खादिम, अरे इस बुढ़ापे में हमारे साथ ये जानलेवा मजाक मत करो। तुम हमारे खानदान के इकलौते खादिम हो, हम तुम्हारी जुदाई का जज्बा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपसे जुदा होने को तो मेरा भी जी नहीं चाहता खान बहादुर साहब, मगर मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे जाना होगा और आपको यह सदमा उठाना होगा। अरे खादिम, अरे खुदा के लिए हमसे हमारी खान बहादुरी मांग लो, लेकिन इजाजत मत मांगो। अगर इजाजत नहीं देते तो मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाइए, मैं जा रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। अरे मेरे प्यारे खादिम, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे खादिम, प्यारे खादिम, क्या नहीं है? क्या नहीं है? Shut up! निफासत, हमने तुम्हारा नाम निफासत इसलिए रखा था कि तुम दुनिया में कोई नफीस काम करके हमारा नाम रोशन करोगे, और तुम्हारा नाम नजाकत इसलिए नहीं रखा था कि तुम खुद को नजाकत सलामत के पाए का मुजीकार समझ बैठो। और तुम रुक जाओ, तुम्हारा नाम सदाकत इसलिए रखा था कि तुम दुनिया में हक को सदाकत की जंग लड़ोगे। और तुम, अबे हम क्या कहें, तुम्हारी विलादत से हम समझते थे हमारे घर के नसीब जाग उठेंगे, इसीलिए तुम्हारा नाम विलादत रखा था, लेकिन तुमने पैदा होते ही हमारी प्यारी बेगम को हमसे जुदा कर दिया। हाय, खुदा बख्शे, बहुत सी खूबियां थी मरने वाली में, काश वो न जाती तुम सब चले जाते। लेकिन डैडी, ये इसमें हमारा फॉल्ट यानी हमारा कसूर क्या है? जिस घर में औरत नहीं, वहां अगर एक नौकर नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? अगर तुम चाहते क्या हो, तुम इस घर में किसी रंग, किसी नस्ल या किसी जिंस के नौकर को टिकने नहीं देते, लिहाजा हमने ये फैसला किया है कि तुम्हारी। नहीं डैडी, नहीं, प्लीज आप मेरी शादी मत कीजिए, जब तक मैं सीएससी का इम्तिहान पास ना कर लूं, मेरी शादी का फैसला मत कीजिए डैडी, मत कीजिए। अच्छा, तो तुम अब भी अपनी जिद पर कायम हो, तो फिर हमारा दूसरा फैसला सुन लो। ए! आज के बाद इस घर में तुम्हें वो सब काम करना होंगे जो खादिम किया करता था। इन लोगों को नौकर रखने की तमीज नहीं, उनकी यही सजा है। Thank you.
नाबालिग हो? नहीं, बालिग तो मैं हूं, मगर मैं शादी से पहले पीएचडी करना चाहता हूं। शादी के बाद तुम पीडब्ल्यूडी कर सकते हो। बकवास बंद। यह हमारा फैसला है कि इस घर में औरत की कमी पूरी करने के लिए तुम्हारे सिर पर सेहरा बांधकर तुम्हें घोड़े पर चढ़ा दिया जाए। जी, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, मगर घोड़े पर मत चढ़ाइए प्लीज। अगर तुम घोड़े पर चढ़ने से घबराते हो तो हम तुम्हें गधे पर चढ़ाकर ले जाएंगे। जी, कल सुबह वो फटने से पहले निकाह पढ़ने की रिहर्सल कर लो। ये हमारा आखिरी फैसला है, इसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मगर अपील तो की जा सकती है। अपील रिजेक्टेड विद रिग्रेट्स। डैडी, डैडी। यू डू ब्रूटस। माई डियर ब्रदर्स, मेरे प्यारे भाइयों, डैडी का गैर जमहूरी, गैर दस्तूरी, आमराना और गैर मुनसिफाना फैसला तो आप लोग सुन ही चुके हैं। हम सब मिलकर डैडी के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी जगह सेहरा बांधकर अपना निकाह पढ़वा सकते। नहीं नहीं, ऐसा जुम ना करो, मुझसे मेरी सेहत और ताकत कितनी बड़ी कुर्बानी ना मांगो। तेरे की कमजोर बड़े भाई के काम ना आए, वो जिंदगी क्या है। मुझे हुक्म करें भाईजान, मैं आपके लिए कौन सी तान मारूं? तान नहीं, किसी औरत को मारो, मेरा मतलब है उसे शादी करके इस घर में तो ला सकते हो। मुझसे सब्जी मंगवा लो, अंडे मंगवा लो, मुर्गी मंगवा लो, मगर औरत न मंगवाओ, क्योंकि जब तक मैं मल्हार गाकर बरसो गए मीन बरसवा और दीपक राग गा के आग लगा आग लगा आग लगा पानी में आग न लगा लूं, मुझे औरत के साए से भी परे रहना चाहिए। भाईजान, नॉट यू, अभी तुम बहुत मुख्तसर हो मेरे भाई, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ तो मेरे भाइयों, अगर हम में ऐसा ही इंतजार रहा तो डैडी अपनी स्कीम में कामयाब हो जाएंगे। हमें मुत्तहदा होकर यूनियन बनानी चाहिए, यू नो, यूनियन, यूनियन बनानी चाहिए। और वरना एक एक करके तुम सबके गलों में ये ढोल बांध दिए जाएंगे। यू अंडरस्टैंड मी? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर कुछ सोचो, सोचो, थिंक थिंक, अरस्तु की तरह कुछ सोचो माय ब्रदर्स, सोचो। मिल गया, मिल गया, आखिरकार मिल गया। तुम कौन लोगों? हम कौन है? हम
हाँ याद आया डैडी, हम तो आपकी जायज औलाद हैं। जायज औलाद? ओ हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या शक है, मगर ये क्या नाजायज हरकत है, यानी हमारे दादा जान का वसीयतनामा तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? ये वसीयतनामा नहीं डैडी, निकाहनामा है। अम्मा ये क्या बकवास है जी? बकवास नहीं है डैडी, एक आस। और आस बड़ी खास है। ये घर कितना उदास है, ना आपकी बीवी है ना सास है, ये बगला है कि बदमाश है। क्या बकते हो? बकते नहीं है डैडी, अर्ज करते हैं आपका हुक्म हमें मानना चाहिए, ये मगर आपको जानना चाहिए। जाने मन्ना कोई जाने जान चाहिए, हमें बीबी नहीं एक माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, इसे माँ चाहिए, इसको माँ चाहिए, मुझको माँ चाहिए, सबको माँ चाहिए, सबको माँ चाहिए जी, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। कार में एक की शादी हो जो गई, तीन बेचारे जल जल के मर जाएंगे, घर में हंगामा हो जाएगा डैडी जी, हाब सारे खुशी के बिखर जाएंगे। फैशनेबल हुई मेरी बीवी अगर, मुझको आता है डैडी अभी से नजर, मुन्ना माँ कह के सीने से लग जाएगा, मुन्ना माँ कह के सीने से लग जाएगा, मेरी बीवी का मेकअप उतर जाएगा, इसकी बीवी का मेकअप उतर जाएगा, उसकी खातिर हम आपस में लड़ जाएंगे, हाथापाई में चेहरे बिगड़ जाएंगे। सोचना कुछ तुझे मेहरबान चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। आए औरत कोई सबका अरमान है, क्योंकि औरत बिना घर ये वीरान है, औरत ऐसी हो जिसमें हो ये खूबियाँ, नाज जो कम करे कम करे शोखियाँ, मुन्ना रूठे तो उसको मना भी सके, मुझको फीडर से दूध दिला भी सके, मेरे डैडी के पांव दबा भी सके, मेरे डैडी के पांव दबा भी सके, और बाहों में लेके सुला भी सके, और बाहों में लेके सुला भी सके। तो मेरे प्यारे डैडी की जिंद जान हो, जिसके सीने में ममता का तूफान हो, मेरे डैडी को तो राजदा चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। तारों बेटों की इतनी सी दरखास्त है, अपने चेहरे पे सेहरा सजा लीजिए, आपने काटी बिरहा की रातें बहुत, अब तो रातों को रंगी बना लीजिए, आपकी उम्र इतनी तो ज्यादा नहीं, शादी का किस लिए फिर इरादा नहीं, कैसे देखें ये तन्हाइयां आपकी, कैसे देखें ये तन्हाइयां है, अंगड़ाइयां आपकी कयामत है, अंगड़ाइयां आपकी। ऐ यकीन हमको जब घर में माँ आएगी, सारे घर की ही किस्मत बदल जाएगी, हम कमर में है जो वो निकल जाएगा, हम कमर में है जो वो निकल जाएगा, हमें डैडी का हुलिया बदल जाए, माँ हमारी जो बाहों में लहराएगी,
रोशनी फिर से आंखों में आ जाएगी। शर्त ये है कि मानो जवान चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। सारे गा मा 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 नी रे मा 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 दा नी रे मा 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 मा, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। मा 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 सनी दा बाबा, सनी दा बाबा, सनी दा बाबा, माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। कब्रे मजनू पर किसी ने जाके पूछा ये सुखन क्या भैया, अरे इश्के लैला अब भी सताता है, अरे ओ खस्ता तन। अच्छा लेके ठंडी सांस, अरे बोला भाड़ कर मुँह से कफन, अरे मुझे लैला नहीं अपनी माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए, हमें माँ चाहिए। सारे सामा मामा धनी सामा हाथी तो मरा हुआ भी 1,25,000 का होता है, अभी तो आप माशाल्लाह जिंदा लगते हैं। मैं जिंदा हूँ इसलिए तुम मुझे छुआने में जहर देना चाहते हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी, हम आपके बेटे हैं, दुश्मन तो नहीं? और अभी तो आप जवान हैं। मैं जवान हूँ? बदतमीज, गेट आउट, गेट आउट ऑल ऑफ यू। अम्मी के बच्चे जाओ अम्मी। क्या जमाना आ गया है, बेटे चले हैं बाप की शादी रचाने, क्या हो गया है नई नस्ल को, कहते हैं अभी तो आप जवान हैं। कोई गलत बात भी नहीं कही लौंडो ने, अब वो बहार कहाँ, जरूर होगा। क्या होगा डैडी? वही होगा जो
منظور خدا ہوگا. ہم نے اس وقت تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ وہ دن میں تم ہمارے ساتھ کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. چھوڑیے ڈیڈی, وہ تو ہم آپ کو یوں ہی ایک مشورہ دے رہے تھے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مشورہ دوبارہ دو. ریلی, کہیں آپ نیند میں تو باتیں نہیں کر رہے ڈیڈی؟ بدتمیز, ہماری جان پر بنی ہے اور تجھے مذاق پوجا ہے. ارے ظالم, جلدی سے صبح والی بات دہراؤ. بات کون سی بات ڈیڈی, میں تو بھول ہی گیا. ارے کوڑ مغز, ارے وہی بات. کون سی بات ڈیڈی؟ ارے وہی بات, شیر والی. نہیں, آ گئی ڈیڈی, آ گئی. ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں. ڈیڈی, کوئی مظاہرہ نہیں ہے, مگر کیوں؟ کیا سارے سوالوں کے جواب میں ہی دیتا رہا ہوں؟ تم لوگ بھی تو کچھ بولو. وہ یوں ڈیڈی کہ اس گھر میں عورت کی سخت ضرورت ہے. ہاں ضرورت تو بہت سخت ہے بیٹے, لیکن اگر یہ ضرورت تم لوگ, میرا مطلب ہے اگر اس عمر میں میں نے یہ ضرورت پوری کر دی تو دنیا کیا کہے گی, زمانہ کیا سوچے گا, محلے والوں کو کیا جواب دوں گا, سماج سے ٹکر کون لے گا؟ سماج کی تو ایسی کی تیسی ڈیڈی, اور محلے والے گئے بھاڑ میں. شاباش میرے چار نہالو, ایسے ہو نہار بیٹے ہوں تو باپ کو دوسری شادی تو کیا, چوتھی شادی سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر تم نے ہمیں تانا دیا کہ ہم نے تمہیں سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے تو نہیں ڈیڈی, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کو کبھی کوئی تانا نہیں دیں گے. ہم ڈیڈی امی ضرور آئے گی بیٹے, ضرور آئے گی. تو آپ کو منظور ہے ڈیڈی؟ منظور ہے. سنو, اینی فریش پرابلم ڈیڈی؟ وہ رشتہ کون تلاش کرے گا؟ ہم کل صبح ہوتے ہی کسی نہ کسی ٹائپ کی ماں کو ڈھونڈی نکالیں گے. جاؤ میرے بچوں, خدا تمہیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے. جا کر سو جاؤ تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو. گڈ نائٹ ڈیڈی. خدا Thank you.
जी हाँ। मेरा घर कहाँ है? गुलबर्ग में। चलो मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, आओ। तो ये है तुम्हारा घर, लो अब शाबाश उतरू करो। मम्मी हमें मारेंगे। लेकिन बेटे मैं कैसे उतरू? अच्छा बाबा तुम खुदा के लिए चुप हो जाओ, मैं चलती हूँ। चलो बच्चा जी आप ही का है। मेरे कहने का मतलब है बाजार में रो रहा था, शायद रास्ता भूल गया था। अगर ये रास्ता ना भूलता तो आप कैसे रास्ता भूलकर इस घर में तशरीफ लाती? क्या पिएंगी? जी कुछ नहीं शुक्रिया, मैं तो इस बच्चे को छोड़ने आई थी। लेकिन अब ये बच्चा आपको नहीं छोड़ा। बहुत प्यारा है माशाल्लाह। आप भी तो कुछ कम नहीं है चश्मे बद्दूर। अच्छा अब मैं इजाजत चाहूंगी। अभी नहीं। देखा मैंने कहता था आना अपने बस में और जाना मिनी बस में। मुन्ने तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अल्लाह ही देखो। तो क्या इसकी माँ नहीं है? आपके होते हुए कैसे कह दूं कि इसकी माँ नहीं है? जी मैं समझी नहीं। समझ जाइए ना, विलादत बेटे तुमने इन्हें बताया नहीं? अभी नहीं डैडी। मरवा दिया। हकीकत तो ये है कि इसकी हकीकी माँ इसकी माफ कीजिएगा, मैंने आपको दुख दिया। कोई बात नहीं है, सुख भी आप ही देंगे। मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। सुनिए आपकी शादी हो गई? नहीं तो? तो फिर क्या इरादा है जी? मेरा मतलब है कब तक इरादा है? जिसके बारे में तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं। कल के बाद कीजिए डैडी। मरवा मत देना यार। क्या कह रहा है ये? कह रहा है कि खुलकर बात कीजिए। अब अगर मैंने खुलकर बात की तो कहीं आप अपनी लिफ्ट ही ना खोल ले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। मैं भी तो एहतराम का मारा हुआ हूँ, इसीलिए तो खामोश। मतलब की बात कीजिए डैडी। बेटे मैं तुम्हारी तरह मतलब परस्त नहीं हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? चाहता तो ये था कि आप बगैर कहे समझ जाती, लेकिन अब आप इतनी मोहब्बत से पूछ रही हैं
तो मैं मजबूरन डरते डरते कहता हूँ कि अल्लाह, मैं आपके सामने दामन फैलाकर भीख मांगता हूँ कि आप इस यतीम बच्चे की माँ बन जाइए और सवाब दारायण हासिल कीजिए। क्या बक रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको घर आई पराई बेटी से ऐसी बेहुदा बातें करते हुए? आखिर आपने मुझे समझा क्या है? बेबी, मैं तो तुम्हें एक शरीफ इंसान का बच्चा समझ के यहाँ छोड़ने आई थी। मुझे क्या मालूम कि तुम एक शैतान के बच्चे हो? नहीं नहीं, यकीन कीजिए, ये शैतान का बच्चा नहीं, खुदा की कसम मेरा जाती बच्चा है। और मैंने तो सोचा था कि आज के बाद ये हम दोनों का कहलाएगा। अक्कल के नाखून लो बड़े मियाँ, दीवाने हो गए हो क्या? दीवाना था नहीं, हो गया हूँ। अगर तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो ईमान से तुम्हारा मुंह लोच लेती। शादी के बाद जो चाहे कर लीजिएगा। खुदा के लिए मेरी उम्र पर न जाइए, मेरे जज्बात ख्यालात और एहसास की कदर कीजिए। अच्छा। शाबाश बेटे, जाने न पाए। हमारे छोटे भाई का दिल लगो। अम्मी, बकवास बंद करो। तुम लोग कौन? आपके होने वाले बच्चे, आपकी फ्यूचर औलाद। दीवाने परवाने मस्ताने। हाय अल्लाह, आप कितनी प्यारी हैं। माशाल्लाह, सेहत भी बहुत अच्छी है। गालेबन सुर और लय से लगाव जरूर होगा। बचपन में रेडियो पर ना तराने गाया करती थी। तो खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो अम्मी मिल गई। हाँ, तो मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकती हूँ? शादी? शादी तुम सब लोगों से? जी नहीं, सिर्फ एक से। शरीर कहिए, कहीं ऐसी बातें राह चलती की जाती है? थोड़ा सा रास्ते से हट जाते हैं। दरअसल हम लोगों ने आपको पसंद कर लिया। बाकी बातें क्यों ना कहीं बैठ के तय कर लें। हाँ, ये ठीक है, आप मेरे साथ आइए। आइए प्लीज, इधर आइए। इधर गर्मी है आपके प्यार में कि सब पसीने पसीने हुए जा रहे हैं। हाँ लीजिए, शौक कीजिए। हाँ तो ये बताइए, आपको मुझ में ऐसी क्या बात नजर आ गई? माँ, क्या बात है? एक तरफ मुझसे शादी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ मुझे माँ कह रहा है। क्या माँ से शादी की बात की जा सकती है? देखिए ना, बात की शादी की बात तो सिर्फ माँ ही से की जा सकती है, यू अंडरस्टैंड। दरअसल हम लोगों ने आपको अपने बाप के लिए पसंद किया। अरे कम बात हो, क्या मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं तुम्हारे बूढ़े बाप से शादी करूँगी? आप एक दफे शादी तो करके देखें, ट्राई वंस, आप बिल्कुल ना उम्मीद ना होंगी। आई प्रॉमिस। चुप करो, अपने बात के समझो। अब एक लफ्ज जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारा कलेजा चबा जाऊंगी। हां टाइम नहीं हो सकता। अरे चुप हो जा। अरे तुम लोग यहाँ भी पहुँच गए। कौन है खाना और क्या करे थे? क्या बताओ बेटी, ये मुझसे क्या बातें कर रहे हैं? दरअसल सुनिए, हम आपकी आंटी। अब एक बात से तुम्हारी जबान से निकली तो मैं तुम्हारी जबान कुत्ते से खींच लूंगी। मैं समझ गई, ये गधे सड़कों पे अपनी माँ को तलाश करते फिरते हैं। अमीना, हसीना, नगीना, इनको ऐसी सजा दोगी ये सारी जिंदगी याद रखे। इनको 10 साल से Ha 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 ha!
15 साल है, वैसे कानूनी खाना पूरे के लिए 18 साल लिखी है। भाई साहब, हमें लड़की पालने के लिए नहीं, अपनी माँ बनाने के लिए चाहिए, मदर मदर। इसलिए कोई ऐसा चेहरा दिखाइए जिसमें ममता की झलक हो। जी लय और सुर से दिलचस्पी रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। तो फिर आपके मतलब की ये चीज है कि ये देखिए आपकी अपनी है क्या? ये चीज है भाईजान जी, हमें माँ चाहिए, नानी नहीं। तो फिर मैं आपको आखिरी दाना दिखाता हूँ। भूना वाला ये देखिए, वजनी, काफी वजनी दाना। मैं तो सीधी और साफ बात करने की आदि हूँ बेटा, शर्म में शर्म काहे की। लौंडिया तुम्हारे सामने है, देख लो परख लो, उम्र उसी कुछ ज्यादा नहीं है। ये चंद बाल नजरे सुपाद हो गए। कोई मुजायका नहीं है खाला, दरअसल लड़के का भी आधा सर गर्मी से सफेद हो गया है, लेकिन अभी तक माशाल्लाह खून सफेद नहीं हुआ। इनका नाम खाला क्या है? नूरुल आलम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला। आओ समीना बेटे, बड़े मौके से आई, तुम्हारी बहन नूरुल आलम के रिश्ते की बात हो रही है। बेटा ये मेरी रिश्ते की भांजी है। आज सुनिए ना बेटे, मैं इस चंडाल छोकरी को अच्छी तरह जानती हूँ। हम भी इस छोकरी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिनके रिश्तेदार इस किस्म की जेम्स बॉन्ड टाइप की छोकरियाँ हो, हम अपने डैडी का बियाह हरगिज नहीं कर सकते। चलो भाइयों। ठहरो बेटा, ऐसे बच्चों नहीं करके ना जाओ। आप जानती है किसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? अपने घर में बाप का ब्याह करने चले सारे। आप जानती हैं, ये लड़की हमारे हैंडसम बाप के पीछे बरसों एरिया रगड़ती रही, लेकिन उन्होंने इससे शादी करने से इनकार कर दिया। डोंट यू वरी, तुम फिक्र ना करो, हम अपने बाप के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लड़की ढूंढ ही निकालेंगे। ब्रदर्स लेट्स गो, खरीद कर खा लेंगे। चलो 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 चलो। हाय मेरी बेटी का नसीब अब टूट गया। तूने इस बला को मेरे घर में क्यों आने दिया? माँ तोहा हो जा, खबरदार जो तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया। बरसों के बाद तो मेरी बेटी का रिश्ता आया था, वो तू उठा कर ने छीन लिया। बेटी लूलू आन, उठो बेटी उठो, मेरे नाम उठो। पहले तो मेरा दिल चाहा कि उनका मुंह नोच लूं, लेकिन क्या करती, खून के घूंट पी के रह गई। अब तुम ही बताओ अमीना, क्या इस बेइज्जती का बदला किस तरह लिया जाए? ये तो तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई समीना। खाला रेमन तो वैसे भी पुराने हालात की अनपढ़ औरत है, वो तो सारी उम्र नूरालैन की बर्बादी का जिम्मेदार तुम्ही को ठहराएगी। अमीना ठीक कहती है समीना, हमें उन उल्लू के बच्चों से बदला जरूर लेना चाहिए। क्यों हसीना, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। देखो समीना, मैं अमीना और नगीना तुम्हारा पूरा पूरा साथ देगी, आखिर हम तुम्हारी सहेली ही नहीं रिश्ते की बहने भी हैं। मगर तरकीब तुम्हें सोचनी होगी, इसलिए कि तरकीब सोचने की मास्टर तुम हो। बच्चों की मां, अब आप ही जाओ, मेरा दम घुटा जा रहा है। अरे सोगरा, लौंडा तो चंदे आफ्ता चंदे महताब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। आए सर के जाऊं, कहीं मेरी नजर न लग जाए। आप लोगों की तारीफ बताना, बताती हूँ तारीफ खुदा की। हाय जिसने तुम्हें लड़का हराम लड़की बनाया। हाय छोकरे,
हम तुझे देखने आए हैं। सुन, मैं रंगिया की ताई हूँ। जीते रहो जीते रहो। अरे मैं रंगिया की खाला हूँ। खाला भी? मैं फूफो हूँ। फूफो आदम। अच्छा करे, मैं सबसे छोटे सिंची हूँ। छोटी खोटी, चल नटखट। अब मैं समझा, अब मैं समझ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे होनहार बेटों ने मेरे हाथ पीले करने के लिए शहर के तमाम देरी वाले घरों में कंकर फेंक दिए हैं। शायद आप भी किसी देरी वाले घर से आई। हम किसी देरी वाले घर से आई? अरे आपा, मुझे किस जगह ले आए? न चाय, न पानी, न खाते, न सवा से। वो मैं अभी लेकर आता हूँ जी। वो बात दरअसल ये है कि घर के तमाम मुलाजिम अपनी यूनियन के इजलास में शिरकत के लिए गए हैं। अब जबकि आप मुझे अपनी गुलामी में लेने के लिए आई हैं, तो मैं खुद ही मुलाजिम बन जाता हूँ। आप तैयार हो? मैं सब कुछ लेकर आता हूँ। अच्छा, तुम तैयार हो जाए पुत्रा। रह गया हूँ। वाह भाई वाह, मैं खुददार हो तो तुम जैसा हो। अच्छा, अब हमें ही जाकर दो, चलो चले। वो शादी की बात? शादी की बात? कौन सी शादी की बात? वो आपकी बरखुरदारी के रिश्ते की बात। हमारी बरखुरदारी? हाँ याद आया। हाय सुमरा, वो बच्चे का कार्ड तो दीजिए। लीजिए आप। ये रहा हमारे बच्चे का कार्ड। ऐसा कीजिए, अपने लड़कों को ना हमारी तरफ भिजवा दीजिए, ताकि वो लड़की देख ले। बात आगे चलेगी ना। जी हाँ, है अब हम चले। अच्छा, इधर से चले। जैसे नहीं ताई अम्मा। हाँ, इधर से। यहाँ इधर को कह रही है। छोटी चले। मिल गई लड़की बाई चांस, जीत गया मेरा रोमांस। और मिल गई लड़की बाई चांस, जीत गया मेरा रोमांस। बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे आखिरी चांस। लेट मी डांस। बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे आखिरी चांस। Let me dance, let me dance, let me dance. महबूबा से प्यार के तो बोल, ट्विस्ट करूं या शेक करूं या करूं मैं रॉक एंड रोल। आज मिला है मुझको अपनी चाहत का हदवान। लेट मी डांस।
सुजू 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 डांस 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 अंग्रेजी धुन में गाऊंगा देसी सारे कामा होता है तो हो जाने तो अब घर में हंगामा अंग्रेजी धुन में गाऊंगा देसी सारे कामा होता है तो हो जाने तो अब घर में हंगामा नाचने गाने से रुक जाऊं इसका नहीं कोई जान लेट मी डांस Let me dance. Let me dance. सुनी राते बस जाएंगी घर जब वो आएगी बरसों की बिगड़ी किस्मत एक पल में बन जाएगी सुनी राते बस जाएगी घर जब वो आएगी बरसों की बिगड़ी किस्मत एक पल में बन जाएगी दिल से दिल टकराएगा होगा आंखों से रुमान लेट मी डांस 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 जी हाँ वो बच्ची कहाँ है बच्ची अभी अभी दूध पीकर सोई वो दूध पीती है मेरा मतलब वो अभी तक दूध पीती है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा घबराओ नहीं बच्चा लड़की दूध जरूर पीती है लेकिन पैर से जवान है माशाल्लाह क्या अच्छा शौक है मगर मैं पूछती हूँ तुम सब लड़के के क्या लगते हो हम सब लड़के के लड़के लगते हैं अच्छा तो तुम अपने अब्बा का ब्याह करना चाहते हो जी देख लीजिए अंकल बाप का ब्याह करने चला है पागल का बच्चा बहुत ही खतरनाक पागल मालूम होता है अगर इसका अभी से सही इलाज ना किया गया तो ऐन मुमकिन है कि अपने बाप के बाद अपने दादा का निकाह करने खड़ा हो जाए हमारी होने वाली एडमिशन खैया मेरा तजर्बा कहता है कि ये सब के सब पागल है और मैं पूछता हूँ डॉक्टर तुम हो क्या डॉक्टर तो आप ही हैं अंकल लेकिन फिलहाल पागल सिर्फ वही है एनाकवाला चलो फिलहाल एक ही पागल काफी है अपना तजर्बा शुरू करने के लिए चलो चलो यू यानी कि तुम यहाँ भी आ गए जी हाँ Who are you? है आपकी दारी तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें पागल बनाया और मुझे डॉक्टर What do you mean? चलो मेरे साथ तारीफ चलो छोड़ो मैं चलो चलो डॉक्टर साहब ये पागल नहीं है पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं डॉक्टर तुम हो तुम्हें और जो तुम्हें सिफारिश करने वाले को भी पागल अरे मैं पागल नहीं हूँ अरे बेवकूफ मैं पागल नहीं हूँ उल्लू मैं पागल नहीं हूँ अरे मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ सुनाइए अब उस पागल का क्या हाल समीना बेटी तुमने हमें बहुत ही अच्छा केस दिया है बहुत ही अच्छा अरे भाई वो तो बिल्कुल शाहकार पागल है मैं उसके दिमाग का ऑपरेशन करके अपने तजर्बे का शाहकार दुनिया को दिखाऊंगा तो क्या आप उसके दिमाग का चीर फाड़ करेंगे हाँ बेटी मैं उसके उसके दिमाग को चीरूंगा
चीरूंगा, इतना ही चीरूंगा और उसमें से हराम मगज निकाल के हलाल मगज डाल दूंगा। मेरा ख्याल है अंकल वो इतना ज्यादा पागल नहीं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? डॉक्टर तो आप ही हैं अंकल, अगर वो दवा से ठीक हो जाता है तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत है? समीना बेटी मुझे तो तुम्हारे दिमाग के स्क्रू भी कुछ ढीले मालूम होते हैं। अच्छा तो मैं चलता अंकल। तो आप उस बेचारे का दिमाग जरूर फाड़ेंगे। कैसी बेवकूफ हो जैसी बातें करती हो बेटी। अरे भाई मैं कोई उसका दुश्मन तो हूं नहीं कि ईंट मार कर उसका सर फाड़ दूंगा। मेजर ऑपरेशन ऑफ द ब्रेन, अंडरस्टैंड? इधर। अच्छा बेटी ये ऑपरेशन इतना नाजुक होता है कि अगर कोई अनाड़ी बनाड़ी डॉक्टर के हाथ में आ जाए ना तो मरीज मर भी सकता है। मर भी सकता है। चाहता है तुझे एक पंच मार के नरम कर दूं। तुमने इस कदर बेसुरी हरकत की है कि चाहता है कि बादाम रगड़ने वाला ये कोटला मार कर तुम्हारा खून ना खोल दूं। मैं इसका खून भी लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, यकीन कीजिए मैंने तो शरारत का जवाब शरारत से देना चाहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मामला इतना संगीन हो जाएगा। अगर हमने आपको माफ कर दिया तो डैडी हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। दो दिन से ये कहकर तसल्ली दे रखी है कि नफासत भैया लड़की की जायदाद देखने चूड़काना गए हुए हैं। कहाँ गए हैं? चूड़काना बेटे। अब ठंडे दिल से मेरी बात सुनिए, मैं सच्चे दिल से आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। भैया इसकी बातों में ना आना, ये बड़ी चलाक है। नहीं मुन्ने मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। लेकिन हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लें? अभी यकीन आ जाएगा, मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो। मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ डॉक्टर। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूँ नफासत साहब, मैं आपको इतनी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं कराना चाहती थी। मैंने तो शरारत का जवाब शरारत से दिया था। आपने शरारत नहीं हिमाकत की थी, हिमाकत। अगर मैं उस पागल डॉक्टर के हाथों मर जाता तो मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ ना करती। अजी छोड़िए, माफ ना करती। गुस्सा थूक दे भाईजान। नहीं थूकूंगा। थूक दे और इनको माफ कर दे। तुम बड़ी हिमायत करो इन लोगों की। ये चीज ही ऐसी है कि इनकी हिमायत की जाए। आओ हम लोग चलें, समीना खुद ही निमट लेगी। सदाकत तुम उधर चलो और हम इधर चलें और आप इधर ही रहें। आखिर आप चाहते क्या है मिस्टर? मैं जो कुछ भी चाहता हूँ मगर आपको नहीं चाहता, और अगर चाहता हूँ तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपकी गर्दन दबा दूँ। तो लीजिए कर लीजिए शौक पूरा। ये क्या हरकत है? हरकत में तो बरकत है। हाय ना छोड़िए भी। हम छोड़ने वालों में से नहीं, हम तो साथ देने वालों में से। आओ हम भी उधर चले। नहीं उधर नहीं, इधर चले। तब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें, चांदनी रातें, हाय चांदनी रातें। ओ आ गए मेरे होनहार झपमार गुरीले।
अपनी हसरतों पे पल रहा के सो रहा। तो एक मध्यम कोमल स्वर की तरह मेरी रग रग में समा चुकी हो, मेरे दिल का तान पूरा खड़काकर कहीं बेसुरी ना हो जाना। अरे जिंदगी में एक ही बार प्यार करती है, मगर मर्दों का इतबार नहीं। सुना है पंछी और परदेसी किसी से प्रीत नहीं निभाते। मगर ना तो मैं पंछी हूँ और ना परदेसी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा आशिक हूँ और वो भी पक्का टीक। मेरा सेब काट दो भैया। अब भैया सेब काटने का वक्त है, जाओ अरे जाओ। हाँ तो तुम क्या कह रही हो? एक पंछी और एक परदेसी कब प्रीत की रीत निभाते हैं। एक पंछी और एक परदेसी कब प्रीत की रीत निभाते हैं।
चलो नगीना वापसी का प्रोग्राम बनाए, काफी देर हो गई है। हाँ बहुत देर हो गई। अच्छा तो फिर मुलाकात कब होगी? मरी से वापसी। मरी से? तो क्या तुम लोग मरी जा रही हो? हाँ हम सब लोग मरी जा रहे हैं। या आप लोग सब किस पे मरी जा रहे हैं? हम सब तो आप पे मरे जा रहे हैं। तो फिर वापसी कब होगी? एक महीने के बाद। एक महीने के बाद? एक महीने के बाद। तो फिर इतने दिन कैसे गुजरेंगे? देखो जी, साथ रहेंगे तो दिन गुजर सकते हैं, ऐसे तो दिन नहीं गुजर सकते। भाई गुजर तो तभी सकते हैं अगर साथी साथ दे तो, साथी साथ निभाना साथी। ओह, हमारा और तुम्हारा साथ बिल्कुल नामुमकिन। क्यों? क्योंकि हमारी फूफी जान भी हमारे साथ जा रही हैं। ओह योर फूफी, टेरेबल। समीना तुम्हें कोई तरकीब सोचो ना। हाँ हाँ कुछ सोचो ना खुदा के लिए। सोचती हूँ। जल्दी सोचो। राहों पे छाया हूँ नजरें बिछाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए, कोई आए कोई आए। आ गया आ गया, पाल देखता रमल देखता, टांके से टांका मिलाता, दिलों का भेद बताता, किस्मत का खेल बताता, टांके से टांका मिलाता। अरे कोई है कोई है, है। तुम्हें क्या तकलीफ है बेटा? बाबा जी आप मेरा हाथ देख सकते हैं? अरे हम हाथ देख भी सकते हैं और हाथ दिखा भी सकते हैं। तो फिर जल्दी से देखकर बताइए, मेरे हाथ में शादी की लकीर है। इसका मतलब है तुम लकीर के फकीर हो। क्या मतलब? लकीर नहीं है। आ, लकीर तो है मगर जरा टेढ़ी है। बाबा जी आप इसे सीधी कर सकते हैं? हम तो तुम्हें भी सीधा कर सकते हैं बेटी। क्या मतलब? मतलब ये कि हम तुम्हें दूसरी शादी के लिए कोई सीधा रास्ता दिखा सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। अच्छा जल्दी से बताइए। अरे क्या बताऊं, बस चले जाओ, फौरन चले जाओ बच्चा। कहाँ चला जाऊं बाबा जी? वहीं जहाँ तुम्हारी वो है। वो कौन बाबा जी? वही तुम्हारी होने वाली बहू, यानी कि तुम्हारी होने वाली बीवी। बीवी बीवी। बाबा जी आपकी सुई क्यों रुकी, जल्दी से बताइए। तो फिर एक 100 का पत्ता भी दिखाइए। 100 का पत्ता? क्या नोट के ऊपर उसके घर का नक्शा बना हुआ है? जी नहीं, नक्शा नवीस, यानी कि हमारी फीस। अच्छा अच्छा बाबा जी ये लीजिए, लेकिन कुछ कम नहीं हो सकता? मुकम्मल पता बताने के लिए तो सालिम पत्ता ही चाहिए। अच्छा बाबा जी फिर जल्दी से उस हसीना मैं जबीना का पता बता दीजिए। अभी बताते हैं अभी बताते हैं। बताते हैं। ये गई और फिर ये मुड़ी और इधर आई। नहीं है नहीं है तेरी होने वाली बहू, मेरा मतलब है होने वाली बीवी। शहर के गुंजान मकानों में मिलेगी तुझको तेरी बुलबुल हसीना, पहाड़ों की चट्टानों में। मगर बाबा जी मैंने आपको मुकम्मल पता बताने की फीस दी है, लिहाजा पूरा पता बताइए, हो सके तो तार का पता और टेलीफोन नंबर भी बता दीजिए। मेरे बच्चे मैं नुजूमी हूँ, कोई डाकिया या टेलीफोन ऑपरेटर नहीं, लिहाजा मेरी लकीरें तो मुझे यही बताती हैं कि वो काफिर हसीना तुम्हारा किसी पहाड़ पे शिद्दत से इंतजार कर रही है। पहाड़ पे? कौन से पहाड़ पे बाबा जी? इस खास पहाड़ का नाम बताने के लिए तो ये तो फंस रहा है। 100 का पत्ता और दिखा दी बाबा जी। हाँ? ये बहुत जरूरी है। देखिए ना, पहाड़ की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। लीजिए ये हिल पड़ा। क्या है, कौन सा हिल? ये, 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 ये पहाड़।
जीम से झाड़ जी, नीम से मार जी, दाल से धार जी, हाँ। मार धार हाँ। कुछ गलत हो रही लकीर जी, जी, जी। नीम नीम से मिल गई, नीम मिल गई हाँ, मरी का पहाड़। अच्छा हाँ। तो इसका मतलब है मेरी होने वाली बहू, मेरा मतलब है दुल्हन मरी हुई है जी। अच्छा, हाँ अच्छा। देखिए ना, यहाँ तो गर्मी जोबन पर है जी। और तमाम काफिर हसीनाएं पहाड़ पर है, लिहाजा ऐसा करें जल्दी से पहाड़ पर जाने की तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो वो बेचारी आपका इंतजार करते 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 खुदकुशी कर ले। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर उसका भी एक हल है। क्या बाबा जी? अपने तमाम बच्चों को भी अपने साथ जरूर पहाड़ पर लेते जाइए। अच्छा। वरना तो वो मर ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ए मेरी गुमनाम महबूबा, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। सलमा, नजमा, कम्मो, तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। कितना अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा मौसम है। इधर नजारा कितना अच्छा है। होगा। अरे तुम जरा देखो तो। डैडी आप जो देख रहे हैं। मैं तो देख ही रहा। अरे मेरा ख्याल है कोई लड़की है। लड़की? नहीं। अरे जुड़ी है। नहीं नहीं कर कर रही है। यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है डैडी। डैडी डार्लिंग, जब से आए हो सिर्फ दूर दूर से देख दीदार कर रही हूँ, करीब से मिलने को दिल बेकरार है। आज 2 बजे कश्मीर पॉइंट पर जरूर आना, इंतजार करूंगी तुम्हारे। मैं जरूर आऊंगा, मेरी और सिर्फ मेरी।
अगर आपको कोई एतराज हो तो वापस चले जाओ। जी बोला, मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं जानता था आपको मेरे यहाँ आने की खुशी होगी। घबराइए नहीं, जो कुछ कहना है खुलकर कहिए। देखिए ना, यहाँ दूर दूर तक न कोई बंदा है और न बंदे की जात। मेरा ख्याल है यही वो दुनिया की नुक्कड़ है जिसके बारे में एक फिल्मी गाने में भी जिक्र आया है। चल चलिए दुनिया दी उस नुक्कड़े जिसके बंदा ना बंदे की जात हो। देखिए, देख रहा हूँ, आप बेफिक्र होकर दिल की बात कह दीजिए। जी मेरा मतलब है, मैं तो आप घबराइए नहीं, जो कुछ कहना है कह दीजिए। और अगर शादी से पहले कुछ शर्तें तय करनी है तो वो भी कर लीजिए। जी मैं तो आपके लड़के। कोई शिकायत है आपको मेरे किसी लड़के से? जी नहीं। तो फिर ये शर्माना और घबराना छोड़ दीजिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं कि शादी जल्दी हो जाए। मैं अब आपसे कैसे कहूं? किसी न किसी तरह तो कहना ही होगा। अब देखिए ना, अगर आप इसी तरह शर्माती रहीं तो बात कैसे बनेगी? बात आगे बढ़ाने के लिए लब तो खोलना ही पड़ेंगे। लब ये नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे आपका सब। आप कौन है? पहचानो तो हम तुम्हारे सब कुछ हैं, और ना पहचानो तो भी सब कुछ है। क्यों बरखुरदारी हमारी इज्जत के अनमोल मोतियों को इन पहाड़ों की ढलानों पर बिखेरते हुए तुम्हें यह भी एहसास ना हुआ कि हम किस कदर गैरतमंद हैं और इज्जतदार आदमी हैं? हम तुम्हें जान से मार देंगे। मगर क्या करें, इस दिल के हाथों बहुत मजबूर हैं। और हाथों, तुमने क्या सोचकर हमारी इज्जत पर बुरी नजर डाली है? क्यों आपको गलत फहमी हुई है मोहतरम, मैं इनसे प्यार करता हूँ। क्या कहा? यानी तुम हसीना से प्यार करते हो? वाह 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 वाह। अरे जरा अपनी उम्र और हसीना की उम्र तो मुलायजा फरमाइए बड़े मियाँ। तुम तो मुझे कोई दीवाने लगते हो। मोहब्बत में उम्रों का ख्याल नहीं किया जाता, जज्बों की कदर की जाती है मोहतरम। मोहब्बत, आजकल की मोहब्बत से हम अच्छी तरह वाकिफ है। भोली भाली प्यारी लड़की को प्यार का दिलासा देकर उम्र भर का रोना देने वाली सूरत तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं होती। जाओ और किसी मुकरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो। और तुम मेरे करीब तो आओ। आप एक बार मुझे अपनी गुलामी में लेकर तो देखिए। अगर तुम्हें गुलाम बनने का इतना ही शौक है तो कल सुबह शरीफों की तरह हमारे घर रिश्ता मांगना, समझे? शुक्रिया, खुदा हाफिज। और ठहरो, आइंदा ऐसी हरकत मत करना, समझे? नहीं नहीं नहीं, बस खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे अब तुम्हारे डैडी रिश्ता मांगने के लिए आएंगे? अरे तो आने दो, रिश्ता ही मांगने आएंगे ना, वहाँ तुम्हारी आंटी गुल बदन जो है वो उनसे निबट लेंगी। हाँ, आपकी तारीफ। जी मैं आपका पड़ोसी हूँ, वैसे मुझे अपना खादिम ही समझती है। आपका क्या रिश्ता है हसीना से? वो मेरे भाई की बेटी है। बड़ी अच्छी लड़की है। वो तो बहुत ही शरीर लड़की है, शायद उसने आपको कोई हाथ नहीं दिखाया। जी वो हम तो उसका बहुत कुछ देख चुके हैं, इसीलिए तो अच्छी तरह सोच समझ कर यहाँ आए हैं। बहरहाल मैं इस घर के उन्हीं बुजुर्ग से खुलकर बात करूँगा जो मुझे कल मिले थे। आपको कोई गलत बुजुर्ग मिले हैं या शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं? इस घर में तो बुजुर्ग मैं, अभी तो मेरी उम्र क्या है। माशाल्लाह अभी तो आप जवान हैं। है ना? खुदा नजरे बस से बचा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? बात दरअसल ये है कि शर्माइए नहीं, खुलकर बात कीजिए। डरता हूँ, एक बार खुलकर बात की थी तो नतीजा अच्छा नहीं निकला था। ये जरूरी तो नहीं कि हर बार नतीजा अच्छा ना निकले, आप बात तो कीजिए। बात दरअसल ये है कि हम हसीना को अपने घर की रौनक बनाना चाहते हैं। लड़का देखकर बात हो सकती है। लड़का तो देख लीजिए ना, लड़का आपके सामने है। क्या कहा? आप लड़के हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया बड़े मियाँ? मुझे तो आप दीवाने मालूम होते, निकल जाइए मेरे घर से। तो क्या मैं इस घर से खाली हाथ जाऊं? तो क्या आप कुछ और लेकर जाएंगे? और कुछ नहीं,
सिर्फ रिश्ता। खामोश मोटे, निकल जाओ इस घर से, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। जाओ, बेवकूफ जाओ, तुम बेवकूफ। मैं तो समझी थी, शायद मेरे रिश्ते की बात करेगा।
मौसम बहुत अच्छा था इसीलिए सैरों तफरी का मूड बन गया, बस इसीलिए। तफरी करने गई थी या मेरे सफेद बाल, मेरा मतलब है मेरे काले बालों में खाद डालने गई थी। यह क्या कह रही हूँ फूफी जान, जो देखा है वह कह रही हूँ। क्या देखा है आपने खाला जान? अपनी तरह मुझे भी अंधी समझती हो, सोच लगा दी। वाह, हम तो यहाँ से सीधा कश्मीर पॉइंट गए थे आंजी और सीधी वापस आ गई। बकवास बंद करो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें गैर लड़कों के साथ इशारेबाजी करते हुए देखा है। आज के बाद मेरे बगैर इस घर से तुम लोगों का निकलना बंद। ऐनक उतारते ही शिकरा बन गया। तू तो कहता था मैं CSP बनूंगा। यस डैडी। क्या यही है तेरे CSP बनने के लक्षण? मरवा बन जा। मगर डैडी, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने बाप के रकीब बनने की कोशिश की है। मगर डैडी, लिहाजा मुर्गा बन जाओ। डैडी, डैडी मुझे मारना है तो कहीं से दर्द भरा संगीत लाइए, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा। मुझे सुर की मार मारिए डैडी। पेन के चमचे, अभी मैं तेरे सब सुर ढीले किए देता हूँ। यहाँ आके लड़कियों को राज सुनाते फिरते हो, मरना बन जाओ। चलो। और तुम मोहम्मद अली से मुकाबला जीतने चले थे, कहाँ गई वो तुम्हारी वर्दिश है? कहाँ गया वो तुम्हारा बॉक्सिंग का शौक? चलो मरना बन जाओ। तो किसी लड़की को राज में सुनाया डैडी? अबे ये तेरे बस में नहीं, वरना तू भी इनसे कम नहीं है। बाप को चकमा देने की साजिश में तू भी इनके बराबर का शरीक है। चल बन जा चूजा, चल। और कान खोल कर सुन लो, इस घर में अगर कोई शादी होगी तो सिर्फ मेरी, अगर कोई दुल्हन आएगी तो सिर्फ मेरी, अगर बाजे बजेंगे तो सिर्फ मेरे, और अगर कोई घोड़े पर चढ़ेगा तो सिर्फ मैं। जी कमबख्तो, मेरे अंदर सोधे इश्क जगाकर मुझे तुम पर खड़ा करके अब मेरी आरजुओं और अरमानों के रास्ते में दीवार बनना चाहते हो, मगर याद रखो मैं हर दीवार को गिरा दूंगा। करो जाओ मगर डैडी, आप तो डैडी मुझे कातर हो गया। तो मैं कह रहा था आपको गलत फहमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग। यस डैडी, हम तो हर वक्त मनी के कोने कोने में गा गा कर माँ तलाश करते फिरते हैं। माँ? जी अब तुम्हारे लिए माँ मैं खुद तलाश करूँगा। तुम क्या करते फिरते हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कि मैं तुम सबका बाप हूँ। ये भी कोई कहने की बात है डैडी, आप 100% ही हमारे बाप हैं डैडी। क्या शक है डैडी, अब आप जाके आराम करें, अकलमंद के लिए तो इशारा ही काफी होता है, और फिर हम सब आपकी औलाद हैं। आइंदा हम सारा वक्त आपका रिश्ता ढूंढने के में गुजार देंगे। अगर आपके लिए रिश्ता ना मिला तो अपने सर धड़ की बाजी लगा देंगे। बस अब इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना काम खुद करेंगे, इसलिए कि इंसान अगर अपना काम खुद ना करे तो काम नहीं बनता। हमारा फैसला है, तुम लोग वापस चले जाओ। डैडी प्लीज डैडी, हमें एक आखिरी मौका और दीजिए, लास्ट चांस। अब हम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। प्यारे डैडी मान जाइए ना प्लीज। अम्मी। अच्छा तो एक शर्त पर हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर सकते हैं। वो क्या है डैडी? वो ये कि आज के बाद तुम्हारा इस घर से हमारे बगैर निकलना बंद। यहाँ रहकर तुम सब अपने अपने मिशन की तकमील पर ज्यादा वक्त और तवज्जो सर्व करो। इन खिड़कियों से सिर्फ ताजा हवा हासिल कर सकते हो, और अगर तुम में से किसी ने किसी किस्म की इशाराबाजी, नजाराबाजी या और ऐसी ही कोई बाजी की तो हम बाज बनकर तुम पर झपट पड़ेंगे और तुम्हें कबूतर की तरह चीर फाड़ देंगे। तुमने हमारा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। आज देख लिया डैडी। तो फिर मंजूर? मंजूर। तो चलो फिर दर्द में चलो। Thank you.
बजाए जा ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा बांसुरी बजा के मेरे होश भुलाए जा ओ मेरे सांवरिया बांसुरी बजाए जा पड़े हुए हैं और चाबियां बड़े मुश्किल मुकाम पर हैं। अमीना चाय में कितनी गोलियां मिलाई थी? छह। अरे दो ही काफी थी, कहीं ऐसा ना हो आंटी हमेशा के लिए सो जाए। नहीं ये ऐसी नहीं है, खानदान के सब बूढ़ियों को सुलाकर सोएंगे। आंटी सो गई है। अमीना ये बस ऑपरेशन शुरू। अमीना
आज हम सब लोग यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए नहीं, बल्कि उस संगीन सीरियस मैटर पर गौर करने के लिए जमा हुए हैं जो ये कर्फ्यू की पाबंदियाँ हम लोगों पर दोनों तरफ से लगा दी गई हैं, उन्हें नर्म किस तरह कराया जाए। क्या बताता हूँ, अगर इस मामले को खत्म ना किया गया तो तुम्हारी आंटी और हमारे डैडी हमारे प्यार के चमन पर जालिम समाज बनकर बिजलियां गिरानी शुरू कर देंगे। बिजलियां क्यों ना इन दोनों बुजुर्गों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी जाए। किस तरह पैदा कर दी जाए? हाउ हाउ? पैदा करने वाली जात तो वो है, मेरा मतलब यह है कि इन दोनों का आपस में फसफसैया कैसे होगा, भाई ये दोनों आपस में सुर में कैसे होंगे। मैं बताता हूँ। बताओ। अरे भाई तरकीब सोचने की मास्टर सिमी ना है। मास्टर जी जी शुरू हो जाए। अच्छा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक सोचती हूँ। क्या सोच लिया? मर्जानिया ये सोच रहे पागल, वो हमारी आंटी नहीं उठ रहा। कहीं मेरे लड़कों को देखा है? देख लेती तो तुम्हारे लौंडों की हड्डियों के चूरा बनाकर छानबूर में बेच देती। तुमने कहीं मेरे लौंडियों को तो नहीं देखा? अगर मैं देख लेता तो उनका कीमा बनाकर करेलों में भरकर पकाता और फकीरों को खिला देता। राह मौला खबरदार, जो तुमने मेरी लौंडियों के बारे में ऐसी बेहूदा बात की। एक तो तुम्हारे लड़के मेरे लौंडियों को खराब करते, ऊपर से तुम मुझे रोक दिखाते हो। अरे मेरे लड़के तुम्हारी लड़कियों को खराब करते हैं? अरे बदबख्त, तुम्हारी छोकरियां मेरे लड़कों को खराब कर रही हैं। खबरदार जो मेरे शरीफ लड़कों के बारे में कोई जलील बात की होगी तो। मैं कहती हूँ तुम अपने आवारा लांडों को बांध कर रखो, उनके गले में पत्ते डालो, नहीं तो मैं किसी दिन उन्हें कुचला खिला दूंगी। और मैं कहता हूँ तुम अपनी छोकरियों को नकेल डाल कर रखो, वरना किसी दिन गोली मार दूंगा। ये बात है, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा। तुमने भी मेरा गजब तब नहीं देखा। तुम्हारे जाने से क्या होता है? मैं तुम लोगों को यहाँ एक दिन तो क्या एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। हद हो गई है बेहयाई की। अरे जवान मैं भी हूँ, मगर पता नहीं तुम लोगों की जवानी कैसी है। अरे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम्हारी माँ को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। आंटी सिर्फ एक दिन रुक जाइए, तमाम सामान बिखरा पड़ा है। हर दिन नहीं आंटी, आपको मरे हुए अंकल की कसम, जिनके साथ आपने लव मैरिज की थी। रख देना मेरी दुख से रख पर उंगली शैतानों। इससे पहले कि मेरा गुस्सा शोला बनकर तुम्हें जलाकर खाक कर दे, कुछ की तैयारी करो। डैडी अगर आपका यही फैसला है तो हमें एक दिन की मोहलत तो दे दीजिए। एक दिन में कौन से झंडे गाड़ लोगे? डैडी हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, और पता और शिकस्त तो अल्लाह मियां के हाथ में। भाई जब साफ क्यों नहीं कहते कि हमारे सबके कपड़े धोबी के पड़े हुए हैं? ओ यस लॉन्ड्री लॉन्ड्री। डैडी हमारे कपड़े तो लॉन्ड्री में पड़े, हम क्या स्लीपिंग सूट में लाहौर जाएंगे? लेकिन लॉन्ड्री बहरहाल तुम चलने की तैयारी करो, परसों का सूरज हम लाहौर में निकलता हुआ देखना चाहते हैं।
بدن کی جان سے پیارے شرافت سلام محبت ایمان سے پیاری بدن امید ہے آپ نے میرے کل کی حرکت کو کم سن اور نادان مجھے امید ہے کہ آپ نے کل کی نوک جھونک کو نظر انداز کر دیا ہوگا اور اب آپ کے دل میں غصے کی جگہ میرے لیے پیار ہی پیار ہوگا یقین مانیے جب سے آپ کو دیکھا ہے اٹھتے بیٹھتے دل کی ہر دھڑکن آپ ہی کا نام لیتی ہے آپ سے غصے میں دو چار تلخ باتیں کر کے اب تک خون کے آنسو پی رہا ہوں آپ کے حسن بے مثال اور شباب لازوال کی قسم اس نادان دیوانے کو معاف کر دو کسی وقت لڑکیوں سے نظر بچا کر فون پر آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوشش کروں گی میری جان میرے اس محبت بھرے سلح نامے پر پیار سے غور کرتے ہوئے میری محبت کا جواب محبت سے دینا بے رخی سے میرے شیشہ دل کو چکنا چور نہ کر دینا معاف کرنا میں آپ کو اس نام سے بلا رہی ہوں اگر تم نے مجھے ٹھکرایا تو میں اپنی جان دے دوں گی پیاری گلو اگر تم نے میرا دل توڑا تو میں خودکشی کر لوں گا تمہاری اور صرف تمہاری گل بدن اور صرف تمہارا شراب ہیلو جی میں شرافت عرض کر رہا ہوں آپ کون بول رہی ہیں جی میں گلبدن بول رہی ہوں بڑی عمر ہے آپ کی جی میں ابھی آپ ہی کو یاد کر رہا تھا جس سے دل کو راہ ہوتی ہے جی پیاری گلبدن اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو آج سے میں تمہیں صرف گلو کہہ لیا کر ہائے اللہ جی جو جی چاہے کہہ لیجیے میرے شرفو جی ہائے میں ہی کیا میں نے تو اپنی ہر چیز آپ کے نام کر دی ہے ہائے اللہ کیسے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بڑے ہی شریر ہے ابھی سے شرما گئی میری جان ابھی ہم نے کہا کیا ہے ابھی تم نے سنا کیا ہے ہوتا گلو جلدی سے کھڑکی میں آ جاؤ تاکہ میں دیدار کی پیاسی آنکھوں کی پیاس بجھا سکوں جلدی سے
जा रहे हैं? नहीं नहीं बेटी, अभी हम वापस नहीं जाएंगे। मगर डैडी, अब तो हम लोग रुक ही नहीं सकते, इसलिए कि हम अपने सारे कपड़े लॉन्ड्री से वापस भी ले आए। तो क्या हुआ बेटे, कपड़े फिर लॉन्ड्री में दिया? हरगिज नहीं डैडी, अब तो हम यहाँ रहते रहते बोर हो चुके। बोर? अरे अरे ठहरो, देखो ना बेटे, फ्लैट हमने सीजन के लिए ले रखा है और एडवांस भी दिया हुआ है। बाहर में गया एडवांस और जन्नम में गया सीजन, हम रहते थे बहुत बोर हो चुके हैं। अरे बेटे, इतने खुशगवार माहौल को छोड़कर शहर की तपती हुई गर्मी में जा रहे हो, तुम्हारे रंग काले हो जाएंगे। शाही रंग काले या पाँव में छाले हो जाए, हम जरूर जाएंगे। अरे मुन्ने निफासत बेटे। जी डैडी। इन्हें तुम ही कुछ समझाओ। मैं कोशिश करता हूँ डैडी, आई विल ट्राई। हम जरूर जाएंगे। ऐसा मत कहो समीना बेटी, तुम तो इंसान में ज्यादा अकलमंद हो। बाहर का मौसम साल में बार बार तो नहीं आता चंदा, और तो ये भी तो सोचो कि फ्लैट का किराया पूरे सीजन का दे रखा है। आंटी, किराया दे रखा है, कोई दिल तो नहीं दे रखा। नगीना बेटी, नगीना बेटी, तुम ही समीना को समझाओ ना। समीना ठीक कहती है भूभी जान, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपने सच कहा था, सामने वाले फ्लैट के लड़के इतने आवारा हैं कि हर वक्त ताक झांकते रहते हैं। और उनका बाप तो अजीबो गरीब किस्म का दीवाना है, हर वक्त खिड़की में खड़ा रहता है, तो जाने किसे देखता है? वो किसी को नहीं देखता, अब वो खिड़की खोले ना हवा खबर आता है। जा मेरी चंदा, जाकर सामान खोल दो मेरे। लेकिन आंटी, मेरा दिल यहाँ कतई नहीं लगता, मैं यहाँ से वापस जरूर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मेरी चंदा मेरी बात तो सुनो, देखो तो सही मौसम कितना खूबसूरत है, जाकर कहीं घूम फिर आओ, घर में बैठे तुम लोगों की सेहत ही खराब होकर रह गई है मेरी चंदा। देखो तो सही फूल से तेरे कैसे घुमला कर रह गए। चलो सुमिना, गुस्सा थूक ही दो, खाला जान भी क्या याद करेंगी। लेकिन खाला जान, हम आपके बगैर कहीं नहीं जाएंगी। देखो ना बेटी, मुझे घर में सुकून मिलता है, तुम सब मिलकर अकेले चले जाओ, अकेले चले जाओ। लेकिन आंटी, अगर हम लड़कियाँ सैर के लिए गई तो वो लड़के हमें फिर छेड़ेंगे? वो लड़के अब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मेरी चंदा। चलो चलो, अरे छोड़िए छोड़िए, क्यों शर्मिंदा करती हैं, हम खुद ही लिए चलते हैं। बेटी, वो बात ये है कि मैंने डॉक्टर के यहाँ बहुत जरूरी जाना है, मेरा दिल ना यू यू। अच्छा, अल्लाह रहम करे, चलो भाई चलो। हेलो, हाँ हाँ, मैं अभी पहुंचता हूँ, नहीं जाने मन, अभी। कहाँ जा रहे हैं डैडी? मैं जरा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ बेटे। क्यों, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चला चलता हूँ। नहीं नहीं बेटे, मैं खुद ही चला जाऊंगा। Oh, oh, oh.
प्यार करेंगे हम दोनों, इतना प्यार करेंगे हम दोनों, इतना प्यार करेंगे, एक दूजे के साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों। की बात लबों पे आके जाने क्यों रुक जाती है, तुमको देख के शर्म से ये मासूम नजर झुक जाती है, जब तक दुनिया बाकी है हम दोनों साथ निभाएंगे, हम तेरे थे हम तेरे हैं तेरे ही कहलाएंगे, जो ना टूटे प्यार इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे। तो दुनिया करती है हम तेरी इबादत करते हैं, उनकी मोहब्बत झूठी है जो इस दुनिया से डरते हैं, मिल न सके तो जीने से इनकार करेंगे हम दोनों, इतना प्यार करेंगे एक दूजे के साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम दोनों, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे। खाला जान क्या मिल गया है? अरे छोड़ो ना, मिलना क्या है, बस जरा ताजी हवा में घूमने फिरने से ना तबीयत हशाश बशाश हो गई। आंटी। हाँ आप डॉक्टर के पास रही थी? डॉक्टर? ओ हाँ हाँ, डॉक्टर ने कहा था सैर तफरी बहुत जरूरी है इसलिए मैं घूमने फिरने चली गई थी। अकेले में क्या सैर तफरी का मजा आया होगा खाला जान? अरे अकेली तो नहीं थी वो भी, मेरा मतलब है डॉक्टर की बीवी भी थी बेचारी, हाय दिल की मरीजा है। आंटी आप दिल के मरीजों के साथ ना घूमा करें, कहीं आपको दिल का रोग ना लग जाए। हाय कोई रोग किसी के लगाए नहीं लगता, जो रोग लगना है खुद ब खुद लग जाता है। यकीन करो मेरी प्यारी गुल्लो, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो इस जालिम धरती के सीने से एक खान बहादुर का बोझ उठ जाता। हाय अल्लाह ऐसा ना कहिए, मैं तो आपको अपना सब कुछ। रुक क्यों गई, कहो ना। कैसे कहूँ, आप खुद समझ जाइए ना, मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती, ज़बान पर दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। मेरी गुल्लो मैं तुम्हारी बेचैनियों से बाखबर हूँ और बहुत जल्द तुम्हारे बेकरार दिल को करार देने के लिए इंतजाम करने वाला हूँ। हाला वो कैसे? वो ऐसे कि मियाँ बीवी तो राजी हो ही गए हैं ना, बस अब किसी काजी से मोहर लगवाने की जरूरत है। गुल्लो कुछ दिन यहाँ रहकर लव अफेयर चलाएंगे, क्योंकि छुप छुप कर प्यार करने का कुछ अलग ही मजा होता है, फिर शहर जाकर शादी कर लेंगे, ठीक है ना? हाय ला मेरा ख्याल है जानी,
पहले आप अपने साहबजादों की शादियों से फरागत पा लीजिए। नहीं जानी, उनकी शादी अभी नहीं होगी। हमारे घर में एक औरत की जरूरत है, वो तुम पूरी करोगी। उनकी भी यही ख्वाहिश है जानी, इसीलिए वो मेरे साथ आए हैं। उनकी शादी उस वक्त तक नहीं होगी जब तक वो अपने अपने मिशन में कामयाब नहीं हो जाते। अब क्या होगा? अगर डैडी ने वाकई शादी कर ली तो समझ लो हम सारी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे। अब हम ज्यादा देर तक कुंवारे नहीं रह सकते, वरना हमारे साथ सुर बिखर जाएंगे। डैडी तो हमारा पत्ता ही साफ करने पे तुले हुए हैं, तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि हम डैडी का पत्ता ही साफ कर दें। क्यों? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने हमारे प्यार के रास्ते में दीवार खड़ी कर रखी है और हम उनके बूढ़े इश्क के रास्ते में चट्टान खड़ी कर देंगे। ये ठीक है ये, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना बहुत जरूरी है। आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हम छह आपस में जुदा हो जाएंगे। कोई आइडिया सोचो। सोचती हूँ। करें आंटी, सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। एक दिन के लिए आना था तो ये सामान वगैरह लाने की क्या जरूरत थी? ओहो फूफी जान, इंसान को बेसरो सामान होकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर साफ साफ सुन लो, मैं शाम को वापस मरी जरूर जाऊंगी। मगर शाम तो होने दीजिएगा खाला जान। पता नहीं वो क्या सोचते होंगे। कौन खाला जान? मेरा मतलब है अपने फ्लैट। अब तो खांसी भी आने लगी है बिल्लो, अब तो आ जाओ। डैडी, डैडी जल के कुछ खा लीजिए ना, 3 दिन हो गए आपने कुछ खाए नहीं। न जाने यहाँ लेटे लेटे किसका इंतजार करते रहते हैं। जिन बदनसीबों को गम खाने की आदत हो जाए बेटे, उनकी भूख किसी और चीज से नहीं मिट सकती। मुझे भूख नहीं है, तुम लोगों ने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम तो कहती थी यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं और यहाँ तो कितनी ही रातें और कितने ही दिन बीत गए हैं। उससे बिछड़े हुए मरी से और किसे? तुम लोग मुझे मरी ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
क्या हुआ बेटे को? डैडी सदाकत, तुम जल्दी से जाके किसी डॉक्टर को ले आओ, जल्दी करो। आए आए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। आए आए अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मरीजों को बहुत बड़ा दिली सदमा पहुंचा है, वो दूर करने की कोशिश करें वरना उनकी जान का खतरा है। अब सोचना यह है कि गुलबर्दन को तो अगवा करवा दिया लेकिन डैडी का क्या किया जाए। गुलबर्दन रकीबाने रूसिया, इस घर को आग लग गई घर के चराहों से, पर मैंने भी तुम्हारा ड्रामा फेल न कराया तो मैं भी तुम्हारा बाप नहीं। की डोरी टूट नहीं सकती, मौत भी मेरे प्यार को लूट नहीं सकती। प्यार के आगे झुकना पड़ेगा,
मौत को भी अब रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तेरे पहलू में आकर ही जान देगा बीमार तेरा। ये हसरत है जाते जाते ये दुनिया। याद करोगे प्यार मेरा, प्यार मेरा, प्यार मेरा, चलिए डैडी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। वो जरूर आएगी मुन्ने, वो जरूर आएगी। देखिए मैं आपके दर्द की दवा ले आया। देखिए तो सही कौन आया। डैडी देखिए ना, डैडी डैडी। शाहू मेरे प्यारे शाहू, आगे सुनो। देखो तुम्हारी कुल्लो वाली समाज की ऊंची नीची दीवारें तोड़ कर तुम्हारे पास पहुंच गई है। शाहू तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। गुल्लो मेरी प्यारी गुल्लो, गुल्लो आंखें खोलो, देखो तुम्हारा शेरपू तुमको बुला रहा है। अरे तुम्हारे लिए मैं अगले जहाज से वापस लौट आया हूँ, तुम भी लौट आओ गुल्लो। अरे अभी हमने इस जहाज में बहुत कुछ करना है। आंखें खोलो गुल्लो, आंखें खोलो। शेरपू डैडी, हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इन खुशी के लम्हों पर फौरन काजी की मोहर लगा दी जाए। yes. लिहाजा आप अपनी शादी का खर्चा बर्दाश्त करने के लिए फौरन तैयार हो जाइएगा। अरे बेटे हम एक नहीं चार शादियों और एक खतने की खुशी बैक वक्त देखेंगे। आज तक दुनिया में बाप और बेटों ने एक वक्त में शादी का मजा नहीं चखा होगा। शादी और ब्याह की तारीख में हम इस सुनहरी बात का इजाफा करेंगे। Thank you.